प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जहां एक गांव से दूसरी गांव को जोड़ने वाली जो कच्ची सड़क है उसके तहत उसे पक्की सड़क बनाने की बात कह रहे हैं। वहीं उमरिया ज़िले के ग्राम तखतपुर से मैन रोड की ओर जाने वाली जो सड़क है वह पूरी तरह से कच्ची है और वहां जगह जगह पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जहां पर साधन वाहन जाने में कतरा रही है। कम से कम नहीं तो हम 8 साल से यहाँ गाड़ी चला रहे हैं और 8 साल से यहाँ मतलब आते जाते हैं, तो 8 साल पहले भी ऐसा ही था यहाँ का रोड और आज भी वही है। यहाँ किसी प्रकार का विकास नहीं है। बरसात के सीजन में तो ऐसी हालत हो जाती है तखतपुर गांव की कि हम लोग को ऐसे चप्पल लेके ऐसे चलना पड़ता है कम से कम 2 किलोमीटर गाड़ी छोड़ के। ऐसी हालत इतनी गंभीर समस्या है कि क्या बताएं। अब बताइए यहाँ पे मेरे को तो ऐसा लगता है यहाँ से हम ट्रांसफर करा के कहीं और चले जाएं। ना कोई बीमार पड़ो आदमी तब भाई गाड़ी घोड़ा कुछ भी नहीं आ सका, कहे में लेके जाए बहुत परेशानी होती। अपने साथ ऐसा हुआ क्या? अरे हुआ, तबीयत बिगड़ी रही बहू की तो ट्यूलर गाड़ी से लेके गए हैं। जब दूसरे के हाथ गिनती जोड़े तब फिर तेल डलवाए तब फिर वहाँ तक ले गए। जैसे आप जब रोड से चलते हैं तो आपको कैसा लगता है? जब हम यहाँ से रोड से चलते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि दोबारा कहीं यहाँ आना भी ना पड़े, लेकिन क्या करें रोजी रोटी चलते आना जाना पड़ता है। और कई बार ने हम लोगों ने लिख के दिए हैं और लिख के देने के बाद भी यहाँ किसी प्रकार की प्रक्रिया या कोई प्रकरण नहीं हो रहा है। और जब कभी बरसात आती है हल्का फुल्का पानी गिरा ही नहीं कि यहाँ पूरे तरीके से कीचड़ मच जाता है ना, जिससे कारण कि आवागमन का साधन में बहुत दिक्कत और गांव वालों को जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। यह वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से मैं अपील करता हूँ कि हमारे उमरिया ज़िले के अभिषेक सिंह जो कलेक्टर साहब हैं उनका ऑफिस का नंबर है 076-53-22-26-00। यह नंबर पर कॉल करके उन पर दबाव बनाएं। मैं रामलाल बैगा ग्राम तखतपुर बिलाकर के लिए जिला उमरिया मध्य प्रदेश से इंडिया अनहार्ट के लिए।